आज हम बनाएंगे दही वड़ा। ये देख सकते हो मूंग दाल हमने फूलने दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, ये अभी सही से फूल गया है। अब हम इसे पीसेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और इसे हम अभी पीस देंगे। हल्का सा पानी डाल देंगे। इसे हम एकदम बारीक से पीस देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा दाल पीस के हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम तैयार करेंगे पानी जिसमें दही वड़ा भिगो के रखेंगे। इसमें डालेंगे हम काला नमक, आपको लगे तो सादा नमक भी डाल सकते हैं, ये हमने डाला काला नमक। और इसमें क्या डाल रहे हैं हम, ये जीरा पाउडर, ये डाला जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। कि गैस को हमने ऑन किया, कढ़ाई रखा है, कढ़ाई गर्म होगा। इसमें डालेंगे तेल, जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम दाल को फेंट लेते हैं, इसे जो बड़ा हम बना रहे हैं वो सॉफ्ट बन जाएगा। हमारा दाल रेडी हो गया है, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट दिखता है। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, हम इसमें अब डालेंगे बड़ा। हाथ से डालेंगे तो अच्छे से शेप भी आ जाता है इसका। बड़ा जो है वो धीरे धीरे आप तेल में डालते जाइए, अगर आपने जस्ट ऊपर से डाला तो तेल आपके हाथ में घुटने का डर रहता है। अब इसको पूरी तरह फ्राई होने के लिए वेट करेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा इसमें। इसको हम पलट देंगे। ये गोल्डन कलर हो गया है, देखिए ये हल्का सा पिंकिश रेडिश ऐसा हो गया है, एकदम लाल भी नहीं। अब इसको हम निकालेंगे। देख सकते हैं, इसको डालेंगे हम पानी में जो पानी हमने बनाया था। ये बड़े एकदम कुरकुरे हो गए हैं। इसे हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। ये देख सकते हैं बड़े पूरा सॉफ्ट हो गया है, पूरा पानी अंदर चला गया है, सॉफ्ट हो गया एकदम। हमने दही ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे, दही को थोड़ा सा पतला कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही में डालेंगे हम चाट मसाला एकदम हल्का सा टेस्ट के लिए। दही वड़ा प्लेट में निकाल लिया है, इसमें डालेंगे दही। डालेंगे थोड़ा सा प्याज, बारीक कटा हुआ एकदम बारीक कटा हुआ प्याज लिया हमने। छिड़केंगे हल्का सा काला नमक, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर। अब डालेंगे सेब, सॉस
ये हो गया हमारा दही वड़ा रेडी। अगर आपको चाहिए तो आप इमली का पानी डाल सकते हैं, पुदीना का चटनी भी मिक्स करके ऊपर से इसको अच्छे से सजा सकते हैं।